मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मनमानी फीस वसूली। क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतने श्रेष्ठ हैं कि 2 करोड़ फीस ले रहे? 50% तक सीटें गवर्नमेंट की फीस पर ही रखनी पड़ेगी, वो ऑर्डर आ गया। फर्क नहीं पड़ता है, फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या रह जाएगा? इसे भारत के नामी गिरामी सरकारी कॉलेजों को घटिया घोषित कर बंद कर देना चाहिए। 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं MBBS के लिए, MBBS में केवल 53,000 सीट्स हैं। यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। आशीष कुमार पिछले 3 साल से नीट का एग्जाम दे रहा है ताकि उसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिससे वो अपने MBBS कोर्स को परस्यू कर सके, लेकिन हर बार उसके मार्क्स 720 में से 400 से 450 के बीच आ रहे हैं। इसका मतलब वो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन ले सकता है लेकिन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं। लेकिन अगर उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है तो उसने अपने 3 साल क्यों बर्बाद कर दिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? रीजन इज वेरी सिंपल, हाई कोर्स फीस इन प्राइवेट कॉलेजेस। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कोर्स करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख खर्चने होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में अप्रॉक्सिमेटली 70 लाख खर्च करने होते हैं MBBS कोर्स के लिए। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कोर्स की फीस इतनी महंगी क्यों है बाकी कोर्स के मुकाबले? देखिए, इसके पीछे भी रीजन है। एक 150 सीट्स की मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए कॉलेज के पास 300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए विद नर्सेस, फैकल्टी, इमरजेंसी सर्विसेज और लगभग 1000 पेशेंट की रोज की रीच होनी चाहिए। और इसी कॉलेज में 5th बैच तक आते आते 650 बेड तक अपग्रेड करने होंगे जिसमें 75% बेड्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए हर वक्त। और अगर हम हॉस्पिटल स्टाफ को छोड़ दें तो कॉलेज के पास 600 स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए लगभग 212 टीचिंग फैकल्टी होनी चाहिए। इस लेवल की रिक्वायरमेंट सही होती है किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में और उसे अच्छे से रन करने के लिए। ऑल इन ऑल एक मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में 700 से लेके 1000 करोड़ तक का खर्च आ जाता है। अब इतने पैसे खर्चने के बाद किसी भी प्राइवेट कॉलेज के ऑनर्स को हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस तो रहती है और यही कारण है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा हाई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन, जिसके कारण कई प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस करोड़ों में पहुँच जाती है। किसी भी न्यू मेडिकल कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बाद 5 साल तक हर साल NMC के थ्रू एक इंस्पेक्शन किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की क्वालिटी एंड क्वांटिटी सही है या नहीं। और इसी क्वालिटी क्वांटिटी को ऑन पेपर चेक करने के लिए होता है करप्शन, जिसका सीधा असर पड़ता है स्टूडेंट्स के फीस पे। अब आशीष को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता क्योंकि उसके इतने मार्क्स नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दे या तो फॉरेन में किसी भी मेडिकल कॉलेज से चीपर रेट में वो अपना MBBS का कोर्स कर ले। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रीज लाइक यूक्रेन, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड द फिलीपींस में MBBS कोर्स को परस्यू करने की जो फीस है वो इंडिया से 2 से 4 गुना कम है। अब फीस तो वहाँ की कम है बट अभी भी चीज़ें आसान नहीं है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को अब्रॉड में मेडिकल कोर्स फिनिश करने के बाद एज अ डॉक्टर इंडिया में वापस आना है तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट ही इस टेस्ट को पास करने के बाद इंडिया में एज अ डॉक्टर रजिस्टर कर पाते हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इस टेस्ट में ऐसा क्या है कि सिर्फ 30% से कम ही स्टूडेंट इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज डिफरेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है उनके लोकल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक इंडिया के बीच। MCI के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर RK श्रीवास्तव, इनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आए हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिग्री लेके वर्किंग के लिए वापस अपनी अपनी कंट्रीज लौट जाएंगे। इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:1655 है, यानी कि 1655 पेशेंट पे एक डॉक्टर। वहीं पे अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ये रेशियो होना चाहिए 1:1000, यानी कि 1000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर, यानी कि इंडिया में डॉक्टर की कमी है। इसलिए बहुत लोग का मानना यह है कि मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2 से 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए ताकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग का मानना यह भी है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने से एजुकेशन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस को कि वो अपने स्टूडेंट्स को अदर स्टैंड अलोन हॉस्पिटल से एफिलिएट करके प्रैक्टिस करवा सके।
दूसरा डॉक्टर गुलशन गर्ग जो कि संकल्प नाम से एक एनजीओ चलाते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो मैक्स फोर्टिस को भी मेडिकल कॉलेज को ओपन करने के लिए, उसे एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेशराइज करे जिससे नंबर ऑफ सीट्स विद ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंक्रीज हो सके। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।